हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपली नेचुरल लाइफ आरजे ब्लॉग्स में। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी हो रहा है दोपहर का टाइम और आज है सैटरडे, और संडे के दिन जो स्पेशल मेंबर आने वाले हैं उनसे हम मिलने जाएंगे। इसीलिए मैं सैटरडे के दिन क्या हुआ था कि हम लोगों ने सिंपल सा खाना बनाया था। नॉर्मली मेरे हस्बैंड की फेवरेट उड़द की दाल चावल रोटी, और ये जो दाल चावल वाला खाना होता है ना, बहुत ही सिंपल, बहुत ही हेल्दी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। सच बताऊँ तो हर किसी ही पसंद है दाल चावल खाना। एंड रोटी बना लिया था मैंने फटाफट से, तो मैंने सोचा थोड़े से ना पापड़ मैंने लेकर आई थी साबूदाना के, क्योंकि होली आने वाली थी ना, तो क्या हुआ था उस टाइम पापड़ वापड़ ये सारी चीज़ें बहुत मिल रही थी, तो फिर मैंने सोचा ले लेते हैं। एंड यहाँ पे बाउल में ना मैं पानी भर के रखती ताकि मुझे हाथ वाथ धोना रहे ना, बार बार अपना नल चालू करके ना धोना ना पड़े, इसलिए मैंने बाउल में पहले से पानी भर के रख देती हूँ। और जो फिंगर्स हैं पापड़ हैं वो बाद में इसलिए मैं फ्राई कर रही हूँ क्योंकि ना गरम गरम ना अच्छा लगता है, नहीं तो ठंडा पड़ जाता है ना तो बिल्कुल ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो साबूदाने के पापड़ थे, और साबूदाने का ये था ऐसा लंबा लंबा सा, मुझे नाम नहीं पता इसका क्या था, लेकिन ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी था। और ऐसा होता है ना सिंपल खाने के साथ ये सारी चीज़ें मिल जाए ना, खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। सो यहाँ पर मैं फटाफट से ये सारे निकाल लूँगी। एंड फिर मैंने ना बहुत सारे तला था, क्योंकि ना क्या होता है अगर आप लेकर आ जाते हो ना तो वो चीज़ वहीं पे रखी रहती है। मोस्टली मेरे साथ ऐसा ही होता है, फिर वो चीज़ मैं जल्दी जल्दी मतलब बना नहीं पाती, यूज़ नहीं कर पाती हूँ, तो फिर रखे रखे चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। इसलिए मैंने सोचा कि जब लाया ही है तो अब उसको अभी टाइम है तो खा लो, नहीं तो गर्मी पड़ेगी ना तो उसके बाद ना बिल्कुल भी मन नहीं करेगा ये सब ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाने का। एंड ऐसा उस टाइम तो ऐसा लगता है पानी पी लो, यही बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है। एंड इसलिए मैं सोच रही थी कि फटाफट से ना सेक लेते हैं, तल लेते हैं इसे। एंड मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। एंड यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने छाछ भी लेकर आ गए थे, एंड गर्मी में ना और ये सारे खाना रहे और ठंडी ठंडी छाछ रहे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। एंड मैं इनको बोल रही थी क्योंकि ये जो साबूदाने के थे ना तो मैंने फ़र्स्ट बार लाया था, तो मैं इन्हें बोल रही थी कि आप खा के थोड़ा देखो कैसा है कैसा नहीं, मतलब टेस्ट में कैसा लग रहा है कैसा नहीं। एंड इन्होंने खाया, फिर उसके बाद इन्होंने बोला अच्छा है। एंड यहाँ पे ये आ गए थे तो थोड़े बहुत मैं इनसे पूछ रही थी और पापड़ तलना है क्या, फिर इन्होंने बोला थोड़े बहुत और तल लो, फिर क्योंकि मैंने ज़्यादा क्वान्टिटी में नहीं तला था। सो यहाँ पर फटाफट से मैंने साबूदाने के पापड़ तल लूँगी। एंड साबूदाने के पापड़ बहुत टाइम बाद मैं खा रही हूँ, सच बताऊँ क्या बहुत ज़्यादा टाइम बाद खा रही हूँ। एंड पहले बहुत खाते थे जब मेरी शादी नहीं थी ना, तब मैं बहुत खाते थे, पापा लेकर आते थे पापड़, मम्मी तलती थी, बहुत खाते थे। फिलहाल अभी तो नहीं खा रहे हैं। एंड उसके बाद ना यहाँ पे बहुत दिन बाद मैंने तला ना, तो फिर मैंने थोड़े ज़्यादा, इन्होंने बोला मेरे हस्बैंड ने बोला कि ज़्यादा क्वांटिटी में तल लो। एंड उसके बाद यहाँ पे मैंने तल लिया। एंड फिर इसके साथ ना ये सारी चीज़ें खाना ना, खाने का जो टेस्ट होता है ना वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। और पहले खाना सिंपल हो, ये सारी चीज़ें रहती हैं ना तो खाने में और अच्छा लगता है। एंड यहाँ पर फिर मैंने थोड़ा सा सैलेड कट कर लिया। एंड यहाँ पे ना जो आने वाले हैं उनके लिए मैंने स्पेशल गिफ्ट लिया था, और भी सारी चीज़ें ली थी, लेकिन मैंने सिर्फ यहाँ पे आप लोग को पर्स ही दिखा रही हूँ। वैसे तो आप लोग को पता चल जाएगा कोई लेडीज़ ही हैं जो स्पेशल हैं। सो गाइज, मैं आप लोग को बता दूँ यहाँ पे मैंने पर्स लिया था दो, बहुत सारी चीज़ें ली थी लेकिन दिखाया नहीं था, इतना शूट नहीं कर पाया था क्योंकि इतना भाग दौड़ रहता है। और निकल गए थे नेक्स्ट डे मॉर्निंग, हम लोग निकले थे 5:30 बजे की हमारी मॉर्निंग की ट्रेन थी, तो हम लोग सुबह 4 बजे उड़ गए थे। और नहा धोकर मतलब 1 घंटा तो नॉर्मली आपको लगता है नहा धोकर तैयार होना, रेडी होना। एंड उससे अच्छा हुआ हमारे घर के पास से मतलब 10 मिनट का रास्ता है बोरीवली का, तो इतना टाइम नहीं लगा, तो हम लोग फटाक से ऑटो में बैठे और ऑटो हमारे घर के सामने ही मिलती है तो और हमारा टाइम बच गया। एंड यहाँ पे मैं, मेरा हस्बैंड सुबह सुबह ऐसा लग रहा था कि सुबह नहीं है रात है सच में। और यहाँ पे स्टेशन में पहुँच गए थे, पहले तो यहाँ पे बहुत सारे लोग थे और बहुत सारी मतलब पब्लिक थी, लेकिन मॉर्निंग में इतना ज़्यादा रश नहीं होता है और बाकी टाइम तो बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा हुआ हम लोग ना मॉर्निंग में ही निकल गए थे, मैंने कुछ मेकअप नहीं किया था, सिंपल सा सूट वेयर किया था क्योंकि उस टाइम ना सुबह सुबह ना मेकअप करने का मतलब कुछ भी मन नहीं कर रहा था, लिपस्टिक विपस्टिक लगाने का, सिंपल सा ही रहने का मन कर रहा था। सो यहाँ पर हम लोग आ गए हैं एंड यहाँ पर आप लोग को मैं मिलाने वाली हूँ, और कौन है, कौन आया है, किससे मिलाने वाले हैं नेक्स्ट वो ब्लॉग में आप लोग को पता चल जाएगा। और ज़्यादा मैं वेट नहीं कराऊंगी आप लोग को, बहुत सारी चीज़ें थी और आप लोग फाइनली
एक साल बाद मिलोगी उनसे और आप लोग को भी अच्छा लगेगा देखकर। एंड हम तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है मिलने के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हो जिस मंदिर, ये जो मंदिर है ना, इतना सुंदर मंदिर है, इतना इतना है ना, मैं क्या ही बोलूँ। और यहाँ पे आप स्टे कर सकते हो कितने दिन चाहो, और सारी चीज़ें यहाँ पे ना, सारे मतलब प्रॉपर सारी चीज़ें हैं, खाने से पीने से लेके सारी चीज़ें यहाँ पे व्यवस्था की गई है। मतलब सब चीज़ है, मतलब ऐसा नहीं है कि फ्री में है, ऐसा है कि मतलब चार्जेस लगते हैं अगर आप एक दिन स्टे करते हो या 2 दिन, जो भी चीज़ें खाने पीने का सबका अदर अदर चार्जेस है। सारी चीज़ें मैं आप लोग के साथ शेयर जरूर करूँगी, रूम कितने का लिया, सारी चीज़ें। तो चलो, बहुत सारी बातें हो गई, मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा बातें हो गई हैं। सो गाइज, आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना है, और रेड कलर की जो बटन है उसको क्लिक करोगे तो मेरा चैनल है सब्सक्राइब हो जाएगा। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना, क्योंकि जो आने वाला ब्लॉग है ना, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और ये मंदिर बहुत ही सुंदर था। तो चलो गाइज, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत ही जल्द। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।